नमस्कार। पायनियर हरियाणा की खास पेशकश में जैसा कि हम आपको मिलवाते हैं शहर के जाने माने डॉक्टरों से जो आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं और आपके उन सवालों का जवाब देते हैं जिनको आपने आपको जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर के जिंदल जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। हम डॉक्टर से जानेंगे कि जो बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया जाता है, जो टीकाकरण लगाया जाता है, वो किस उम्र से लगाया जाता है और कितना ज़रूरी वो बच्चों के लिए होता है। टीकाकरण बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा पैदा होते ही फर्स्ट डोज हेपेटाइटिस बी की लगा दी जाती है जो 24 घंटे के अंदर लगाई जाती है और साथ में पोलियो के ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं। उसके बाद बीसीजी का इंजेक्शन 3 महीने तक कभी भी लगा सकते हैं और बाकी वैक्सीनेशन जो 1.5 महीने से 6 वीक्स टू 1.5 महीने से 2 महीने तक शुरू कर देते हैं जिसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हेपेटाइटिस बी, इंजेक्टेबल पोलियो, पीसीवी, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन और रोटावायरल जरूरी है। इसकी डोज हर महीने 3 महीने दी जाती है, 1.5 से 2 महीने पे शुरू करके फर्स्ट प्राइमरी वैक्सीनेशन 3 महीने में ख़त्म कर दी जाती है। 9 महीने पे MMR का इंजेक्शन लगता है, 9 से 12 महीने में टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन लगता है, उसके बाद 1 साल के शुरू होते ही हेपेटाइटिस ए, उसके बाद MMR, फिर 15 महीने पे चिकन पॉक्स वेरिसेला जिसे कहते हैं, फिर PCV की एक डोज का बूस्टर दिया जाता है 16 महीने पे और 18 महीने पे फिर बूस्टर लगाया जाता है जिसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, इंजेक्टेबल पोलियो और HIV होता है। 2 साल के कंप्लीशन पे दोबारा टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन दिया जाता है। मनिंगोकोकल ACYW एक डोज 2 साल के बाद देने से काफ़ी है, लेकिन अभी रिसेंटली इसका 2 डोज रिकमेंडेशन हुआ है। फर्स्ट डोज 9 मंथ्स पे और सेकंड डोज 12 से 24 महीने के बीच में। कल वैसे तो DPT वाला इंजेक्शन तो सभी लगवा रहे हैं क्योंकि सरकार इसको फ्री दे रही है, पेंटावेलेंट के नाम से, पेंटावैक के नाम से सरकारी हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी, डिस्पेंसरीज में ये सब बच्चों को दिया जा रहा है। वो काफ़ी एसेंशियल इंजेक्शन है, उसमें वो DPT, HIV, हेपेटाइटिस बी, PCV सब कवर करते हैं, रोटा भी देते हैं। हेपेटाइटिस ए प्राइवेट प्रैक्टिस में ही लगता है क्योंकि ये सरकार की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो पानी से बच्चों को जॉन्डिस होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन में जो खाना पीना चलता है, टाइफाइड वैक्सीन भी प्राइवेट प्रैक्टिस में ही लगता है क्योंकि सरकार अभी प्रोवाइड नहीं कर रही। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, नहीं लगवाने पर इसमें लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चों में काफ़ी रिस्क है टाइफाइड होने का और हेपेटाइटिस ए होने का। वो सरकारी इंजेक्शन्स लगते हैं, वो सब कुछ कवर करते हैं। कुछ चीज़ें अभी हमारी सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही, जैसे कि ये हेपेटाइटिस ए, वेरिसेला, बस ये और न्यू इसका ACYW मनिंगोकोकल। अभी जो लोग सरकारी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, आंगनबाड़ी से इंजेक्शन लगवाते हैं उनको इंजेक्शन वहाँ से कंटिन्यू करने चाहिए। अगर वो वहाँ नहीं लगवा पाते या वहाँ अवेलेबल नहीं है, वो इंजेक्शन हम लगा देते हैं, लेकिन कभी हमारे से लगवाना और कभी सरकारी में जाना तो सरकारी रिकॉर्ड्स में दिक्कत होती है उनको मेंटेन करने के लिए कि इन्होंने पूरे इंजेक्शन लगवाए हैं कि नहीं। प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद बूस्टर वैक्सीनेशन देना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जो एंटीबॉडी लेवल गिरना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद,
वो बूस्टर ही उसको मेंटेन कर पाते हैं। बूस्टर लगने से एंटीबॉडी लेवल बॉडी में फिर बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे की बढ़ जाती है। पहला बूस्टर डीपीटी का हम 1.5 साल पे लगाते हैं, दूसरा बूस्टर 4.5 से 6 साल पे, और एक डीपीटी का डोज 10 साल पे दिया जाता है, जो जिसमें डिप्थीरिया और पर्टूसिस की आधी डोज होती है और टेटनस की पूरी डोज होती है। अगर बच्चे को बूस्टर्स लगे हैं 10 साल तक, तो उसको टेटनस लगवाने की भी 5 साल से पहले ज़रूरत नहीं होती। अगर 10 साल पे लास्ट वाला लगा है, तो अगर कोई चोट लगे, कुछ लगे, तो बीच में टेटनस एक्स्ट्रा लगवाने की ज़रूरत नहीं है, वो 5 साल तक काम करता है। हाँ, 10 साल वाला जो अगर बूस्टर नहीं लगता है, तो डीपीटी का लेवल एंटीबॉडीज गिरनी शुरू हो जाती हैं, और कई बार बड़ी उम्र में भी काली खांसी होने का या डिप्थीरिया होने का खतरा बना रहता है। पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि उन्हें सारा वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तकरीबन 2 साल तक 90% से ज़्यादा वैक्सीन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बूस्टर के लिए भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बूस्टर लगने से पहले लगे इंजेक्शंस की एंटीबॉडी लेवल ब्लड में बनी रहती है, जो बच्चे को उस बीमारी से बचाने में सक्षम है। अगर बूस्टर्स नहीं लगवाते हैं, तो कुछ सालों के बाद वो एंटीबॉडी लेवल कम होने के बाद वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे 25-30 साल की उम्र में भी कई बार काली खांसी या डिप्थीरिया होने का रिस्क बना रहता है। थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर के जिंदल, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और आज उन्होंने बात की बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में, कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो टीकाकरण होता है बच्चे के लिए कितना ज़रूरी होता है, अगर वो टाइम पे लगता है तो आने वाले समय में वो हर खतरनाक बीमारी से लड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, ऐसी और भी शख्सियत से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।